हे गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। देखिए, अगर आपको लाइफ में वाकई में सक्सेसफुल बनना है, चाहे आप अब बिज़नेस कर रहे हो, चाहे आप जॉब कर रहे हो या सेल्फ एम्प्लॉयड हो, तो आपको क्या करना होगा, आपको सबसे पहले अपने ब्रेन को ट्रेन करना होगा उसी के अकॉर्डिंग। क्योंकि आप ब्रेन माइंडसेट, एम्प्लॉय माइंडसेट के साथ आप बिज़नेस माइंडसेट में काम नहीं कर सकते। यानी कि आप एम्प्लॉय माइंडसेट के साथ आप बिज़नेस ग्रो नहीं कर सकते। सो यू नीड टू ट्रेन योर ब्रेन, यू नीड टू रिवायर योर ब्रेन एंड माइंड सेट। उसी के हिसाब से आपको काम करेगा, रिजल्ट देगा आपको। यू हैव टू ट्रेन, यू हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ट्रेन योर ब्रेन अकॉर्डिंगली। मान लीजिए सुबह सुबह जैसे हमारे घर में गारबेज का क्लीन करने के लिए कूड़ेदान आता है, घर की सफाई करने के लिए, उसी तरह हमें अपने माइंड को भी रोज़ शार्प करना होगा, रोज़ सफाई करनी पड़ेगी। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो मे बी यू विल फाइंड नो वेयर। मेडिटेशन इसको बहुत अच्छी तरीके से माना जाता है, इसलिए आपने कई सक्सेसफुल लोग देखे होंगे, कई लीडर्स देखे होंगे जो मेडिटेशन करते हैं। मेडिटेशन जो आपके माइंड एंड बॉडी को दोनों को हेल्दी रखता है। दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, यू हैव टू लर्न डेली न्यू स्किल्स, यू हैव टू अब इम्प्रूव योर स्किल्स डेली। अपने स्किल्स को डेली इम्प्रूव करिए, टीच एंड एजुकेट करिए, इससे आपका एजुकेशन लेवल भी हाई होगा, इससे आपकी लर्निंग भी इम्प्रूव होगी डेली बेसिस पे। टर्न ऑफ योर टेलीविज़न, टर्न ऑफ योर टेलीविज़न, शॉर्ट्स, रील्स, नोटिफिकेशन जो भी आप डेली देखते हैं, ये भी आपके टाइम को, प्रोडक्टिविटी को किल करता है। सो इन चीज़ों पे ध्यान रखिएगा। सबसे पहले माइंडसेट आता है आपको माइंड, क्योंकि ये माइंडसेट का ही गेम है। अगर आप 50,000, 1 लाख, 10 लाख, 20 लाख अगर महीने में कमा रहे हो थ्रू बिज़नेस, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू ट्रेन योर ब्रेन एंड उसी के हिसाब से आपको वर्क करना पड़ेगा। क्योंकि मैंने कई लोगों को देखा है अपना एम्प्लॉय माइंडसेट, रोज़गार वाला माइंडसेट लेके वो बिज़नेस पे आ जाते हैं, देन दे फॉल नो मैन्स लैंड। सो अल्टीमेटली यही कहूँगा कि वी नीड टू रिवायर आवर माइंड एज़ पर द बिज़नेस, बिज़नेस माइंड सेट को अडॉप्ट करना होगा। अगर एक एग्ज़ाम्पल लूँ मैं, अगर जंगल में भी हम जाते हैं, जंगल में आप देखिए हर कोई कोई हंटर के हिसाब से काम करता है, कोई हंटिंग के हिसाब से काम करता है, लेकिन वहाँ कोई संडे नहीं होता है। हमें फिर भी संडे मिल जाते हैं रोज़ रेस्ट करने के लिए, आराम से उठते हैं, लेकिन वहाँ पर कोई संडे, सैटरडे, कोई वीकेंड नहीं है। हर दिन वहाँ पर स्ट्रगल है, और जो सबसे तेज़ भागेगा वही शिकार कर पाएगा। लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी कईयों के शिकार फेल हो जाते हैं। सिमिलरली हमारी लाइफ में भी ऐसे ही है, हर दिन एज अ चैलेंज आपको लेना है, और जब तक आप 6 फिगर, 7 फिगर अर्नर नहीं बन जाते, तब तक आपको चैन से नहीं बैठना है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, टीम वर्क जितना करेंगे आप उतना बेहतर होगा, इंस्टेड ऑफ़ वर्किंग अलोन।